नहीं, सोच समझ के। आइए सातवां पॉइंट, वो क्या है? खास तौर पर उन लोगों से सलाह ले जो फील्ड के माहिर हो, जो उस बिजनेस में महारत रखते हो। हमारे पास बहुत सारे लोग इसलिए भी फंसे कि फला अल्लामा ने पैसा डाल दिया, फला आलिम साहब ने बोले डाल दो, हमने भी डाल दिया। अब क्या करेंगे? डूब गया तो आलिम साहब पैसा दो, बोलेंगे मेरा भी तो डूब गया, पर तुमने तो बोले थे ना, भाई मेरे को भी नहीं मालूम था, फील्ड के माहिर नहीं ना वो, आलिम की अपनी फील्ड है, समझ रहा? अब कोई एक आलिम है, आप ये तो नहीं बोल सकते उसको सब्जी तरकारी में को अच्छी दिलाओ। हो सकता है उसको इल्म हो सकता है उसको इल्म ना हो उस चीज़ का, वो तो आप सब्जी तरकारी के मार्केट में जाए, उसकी महारत जो रखता है उससे पूछे कौन सा फल अच्छा होता है, कौन सी सब्जी अच्छी होती है ना। आपको आलिम साहब आप सुनार की दुकान पे तो नहीं ले जाएंगे सोने को परख के दिलाइए, उनका फील्ड सोना परखना नहीं है। हाँ, वो हलाल हराम तिजारत के तरीके, सोना बेचने का तरीका, खरीदने का तरीका बताएंगे, लेकिन वो सोना कौन सा प्योर है और कौन सा नहीं, वो उनका फील्ड नहीं है ना। तो आप उन लोगों से मशवरा ले, उन लोगों से बातचीत करें जो उस फील्ड की महारत रखते हो, वरना बहुत सारे लोग मशवरा तो लेते हैं लेकिन पेट खराब है और जाके मशवरा ले रहे किससे, किससे मशवरा ले रहे हैं, जाकर एक मैकेनिक को बोल रहे पेट खराब है क्या करूं, तो बोल रहा देखो ये ऑयल मेरी वो गाड़ी बता रहा था ना बहुत फायदा हुआ, तुम भी ये ऑयल थोड़ा पी लो, इसका फायदा बहुत हो जाएगा तुमको भी। आपके पेट का इंजन और उसकी गाड़ी के इंजन में बहुत फर्क है, ठीक, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फील्ड के माहिर लोगों का मशवरा ले। आठवां पॉइंट।